हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में मैं आपके साथ पॉनीटेल एंड uh, uh, ब्रेड की वीडियो शेयर करूंगी आप देख सकती हैं कि ब्रेड एंड uh, ब्रेड एंड पॉनीटेल दोनों मैंने जशन के बालों पर की है जशन को करवाया था हमने हेयर वॉश और हेयर वॉश करवाने के बाद ऑयलिंग करने के बाद मैंने उसकी कुछ इस तरह से ब्रेड बनाई थी तो गाइज़ आज मैं इसी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ होप गाइज़ आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज़ देखिए हमने जशन को करवाया था हेयर वॉश और हेयर वॉश की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आप देख सकते हैं तो जशन के बाल अब बिल्कुल सूख चुके हैं सबसे पहले तो मुझे ऑयलिंग करनी है और ऑयलिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी इसमें मैंने टैंगल्स रिमूव करने हैं और ब्रेड बनानी है तो आप जशन के बाल देख सकते हैं कि अभी उसके बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा हुआ है बिल्कुल ड्राई बाल हैं तो बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है बहुत ज़्यादा परेशान होता है जशन क्योंकि उसके बाल ना बहुत ज़्यादा हैवी हैं और समर में बालों को संभालना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ऑयलिंग मैंने उसकी कर दी है उसकी वीडियो अलग से आएगी ऑयलिंग एंड जुड़े की वीडियो ऑयलिंग के लिए ना मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है कोकोनट ऑयल से ना उसके बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि उसके बालों में ना ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है अगर हम कोई नॉन स्टिकी ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा उसके बालों में ना मतलब एक दो दिन बाद ही फिर से ऑयल लगाना पड़ जाता है तो इसीलिए मैं उसे कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल से उसके बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं जल्दी बाल ड्राई नहीं होते हैं तो सबसे मुश्किल जो स्टेप है ना हेयर वॉश करवाने के बाद वो यही है कि टेंगल्स को रिमूव करना उसके बाल बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं बहुत लंबे बाल हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम उसे नहीं है बट फिर भी टेंगल्स इतने ज़्यादा उसके बालों में होते हैं कि टेंगल्स रिमूव करने में कम से कम नहीं तो आधा घंटा आराम से लग जाता है वीडियो में मतलब इतना नहीं फील होता है बट कम से कम आधा घंटा लग जाता है टैंगल्स रिमूव करने में क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं आप देख सकती हैं तो अगर आपके बाल भी इतने लंबे हैं ना या ही है हैं तो आप ना बालों को इस तरह से फोल्ड कर, कर के टैंगल्स रिमूव कर सकते हैं इससे ना बिल्कुल भी पेन फील नहीं होती है तो मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर कर के उसको इट एगल्स को रिमूव करती हूँ ताकि ना उसे बिल्कुल भी आ, मतलब ऐसा फील ना हो कि बाल उसके टूट रहे हैं या फिर हम जोर से उसके बालों में कॉम्बिंग कर रहे हैं बाल उसके इतने ज़्यादा हैवी हैं और जब बाल उसके बिल्कुल सूख जाते हैं ना तो तब और ज़्यादा हैवी लगने लग जाते हैं ऑयल वग़ैरह लगाने के बाद थोड़े सेट हो जाते हैं बट पहले तो उसके बाल बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लगते हैं तो सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से उसके सभी टैंगल्स को रिमूव करना है ऑयलिंग आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल हमने उसके बालों में लगाया है काफ़ी ज़्यादा ऑयल उसके बालों में लग जाता है लेंथ के अकॉर्डिंग कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और हेयर वॉश के लिए मैंने आयोर शैम्पू का यूज़ किया है पिछले दो सालों से मैं यही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे लगे आप भी जशन की वीडियोज़ एक डेढ़ साल से देख रहे हैं तो आपने भी देखा है कि जशन के बालों की लेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है बाल कितने उसके और लंबे हुए हैं और मैं यही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने आयोर शैम्पू यूज़ करना शुरू किया है ना मैंने और कोई शैम्पू ट्राई ही नहीं किया मुझे इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं तो देखिए गाइज सारे टैंगल्स को मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है ऑयल लगाने के बाद ही मैं टैंगल्स को रिमूव करती हूँ वेट हेयर में या फिर ड्राई हेयर में मैं बिल्कुल भी उसके टैंगल्स रिमूव नहीं करती हूँ तो सबसे पहले मुझे पोनीटेल करनी है हाई पोनीटेल करूँगी मैं जशन के तो आप सबकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हेयर स्टाइल की वीडियो भी शेयर करें तो गाइज़ हेयर स्टाइल के लिए ना जशन बिल्कुल भी नहीं मानता है तो मैं मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ उसे तो इसीलिए हेयर स्टाइल की वीडियो मैं नहीं शेयर कर सकती गाइज़ मैं और भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ हेयर स्टाइल की वीडियोस तो प्लीज़ आप वो सारी वीडियोस भी ज़रूर देखें उन पर भी बहुत मेहनत लगती है और बहुत अच्छी अच्छी मैंने हेयर स्टाइल की वीडियोस डाली हुई हैं तो गाइज़ अगर आपने आपको वीडियो ये वाली थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जशन की वीडियो को तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाइक तो बनता ही है ना एक लाइक तो ज़रूर कीजिए तो देखिए सबसे पहले पॉनीटेल मैंने किया और ये मोटे वाले रबड़ बैंड का मैं यूज़ कर रही हूँ पोनीटेल आप देख सकते हैं कि उसकी पॉनीटिल कितनी ज़्यादा बाल इतने ज़्यादा उसके लंबे हैं लुक देख सकते हैं कि कितनी सुंदर उसकी पोनीटेल लग रही है ऑयली हेयर में तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है पोनीटेल और अब मैं ब्रेड बना रही हूँ ब्रेड भी उसकी इतनी ज़्यादा हैवी हुई थी ना जितने मैंने उसके तीन हिस्सों में मैंने उसके बाल किए हैं ना इतने हमारे एक एक हिस्से के बाल ही होंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाल इतने हैवी हैं और बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के उसके बाल हैं हमारे घर में सभी को उसके बाल बड़े अच्छे लगते हैं और अब तो हर कोई उसकी वीडियो देखता है तो सभी यही जो हमारे घर आता है वो भी यही कहता है कि जशन के बाल बड़े सुंदर हैं उसके बाल बड़े अच्छे हैं तो देखिए कितनी सुंदर ब्रेड हुई है ब्रेड की लेंथ आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल से ऑयल ऑयलिंग बहुत ज़्यादा मैंने उसके बालों में की हुई है और ऑयलिंग वाली ब्रेड कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और फिर मैं एक रबर बैंड डाल रही हूँ बिल्कुल सिंपल मैंने ब्रेड बनाई है और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही मैंने ब्रेड बनाई है आप लास्ट में देखना मैंने वो भी वीडियो शूट किया है जब वीडियो पूरी बन जाती है ना मैं उसी टाइम इसकी ब्रेड ओपन करके उसका जुड़ा मुझे करना है क्योंकि ऐसे तो वो कभी भी दस सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकता गर्ली हेयर स्टाइल तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है बस ऑयलिंग करने के बाद जूड़ा कर दो तो देखिए गाइस ब्रेड की लुक कितनी ज़्यादा अच्छी है ये आई है बिल्कुल क्लोज से आप देख सकते हैं कि कितनी ऑयलिंग मैंने उसके बालों में की हुई है और ब्रेड कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है होप गाइज़ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा तो देखिए गाइस ब्रेड कितनी सुंदर लग रही है कितनी हैवी उसकी ब्रेड है बस सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से मानना है ब्रेड करवाने के लिए तो जैसे ही वीडियो पूरी बन गई तो उसी टाइम मैंने उसकी ब्रेड को ओपन किया है और उसके मैंने जूड़ा किया है तो देखिए इस उसी टाइम मैंने ब्रेड को ओपन करके उसका जुड़ा कर दिया है होप गाइस आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय